देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। यूपी के अलावा कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण कई लोगों के घरों में नदियों का पानी पहुंच रहा है, तो कई ऐसे गांव हैं जो जनसंपर्क भी टूट चुका है। यूपी के संभल भी कुछ इस तरीके से स्थिति है कि जहां गंगा का जल स्तर बढ़ने से गांवों का संपर्क टूट चुका है, लोग गांव में ही घूमने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जिले के नए जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित जगहों का निरीक्षण किया और अलर्ट रहने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में इन दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बता दें कि गुन्नौर तहसील के लगभग 8 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। गुन्नौर तहसील का गांव रघुपुर पुख्ता में इन दिनों लोग बेहद परेशान हैं। गंगा से सटे इस गाँव में गंगा का पानी पहुँचने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं और तो और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, अभी हम लोगों को जो सूचना मिली थी उससे हम सारे अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए और गांव के लोग, सही बात है, अभी अपना छोड़ करके नहीं आए हैं, जिसका कारण वो बता रहे हैं मेन मुख्य रूप से पशुओं का, कि उसको ले आने में उनको दिक्कत होगी। और अभी हम लोग भी वाचफुल हैं कि गंगा का जो पानी है अभी वो कितना और राइज करता है अथवा नहीं करता है, उस हिसाब से हम लोग उनको सेकेंड अलर्ट जारी करेंगे और उसके बाद जैसी आवश्यकता समझेंगे उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराएंगे। उसके लिए हम लोगों ने बाढ़ चौकियों का निर्माण किया हुआ है नज़दीक के स्कूल में, तो फिर आवश्यकता अनुसार उनको शिफ्ट भी किया जाएगा। फिलहाल अभी उनके घरों में पानी नहीं है, सराउंडिंग्स में पानी है और अभी गंगा का जलस्तर 24 घंटे में कम भी हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग दुकान या दूसरे गांव से राशन आदि लेने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ने से गंगा के पानी ने एक तरह से पूरे गांव को डुबो दिया है। पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, तो कहीं लोगों के पूरे घर में ही पानी घुस गया है। ऐसे में गंगा का विकराल रूप लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। ग्रामीणों की मदद के लिए प्रशासन हमेशा तैयार है। वहीं आपको बता दें कि नरौरा स्थित गंगा में अभी लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी है, अगर जलस्तर 2.5 लाख क्यूसेक हुआ तो हालात चिंताजनक होंगे। गंगा में खतरे का निशान 178.26 पर है और जलस्तर अभी 25 सेंटीमीटर नीचे है। अगर 25 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ता है तो आसपास के 8 गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ जाएंगे। जिस तरह से 8 गांवों का खतरा मंडरा रहा है, इसके लिए प्रशासन भी बेहद अलर्ट है। यूपी क्राइम न्यूज से संवाददाता महेंद्र सिंह मौर्य की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।